वेलकम टू माई चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई वो मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 माल्टा लीग का AUM वर्सेज MAR के बीच 1 घंटे 5 मिनट बाद। तो वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है बिकॉज टाइम नहीं बचा। तो आपको पता ही है वैसे भी मैं वीडियो स्मॉल ही बनाता हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं है, 1 घंटा तो रह गया मैच को। बात करूँ इस मैच में तो इसमें बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है दोनों साइड्स की, लेकिन उससे पहले बताऊँ इसकी आपको मैं फाइनल टीम लाइनअप्स के बाद पोस्ट करूँगा अपने इस चैनल पर जिसका नाम है एवी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। ग्रुप का नाम ध्यान से देखो दोस्तों कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि आपके सामने है। तो नीचे की ओर चलते हैं, प्रीवियस मैचेस के कुछ स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने कल विनिंग की थी, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे इस मैच में, बहुत ज़बरदस्त विनिंग हुई थी प्रीवियस एंड नाइट फुटबॉल में भी। लेकिन अगर मैं आगे से बात करूँ तो ये टी10 भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, आईशल बढ़िया रिकॉर्ड, मतलब बढ़िया ही स्क्रीन स्वीप लग सकती है। तो चलते हैं आगे। अब इसकी बात करूँ माल्टा लीग की, इसके ऊपर बैटिंग ऑर्डर आपका काम नहीं करेगा, भले ही आप जौन सा मर्जी बैटिंग ऑर्डर देख लो, इसमें आपको ओरिजिनल बैटिंग ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी बैटिंग ऑर्डर आता है लेकिन हर बार चेंज होता है, एक आधा चेंज ज़रूर होता है, इसलिए बैटिंग ऑर्डर के भरोसे मत रहना इस मैच में। इसमें आपको दिमाग चाहिए और इसमें आपको बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप बैटिंग पर भरोसा कर लोगे तो आई थिंक आप बहुत बुरा हारोगे, अगर आप बॉलिंग पर मेरे कहने पर भरोसा करोगे ना तो आप एक एक्स्ट्रा विनिंग से आगे जाओगे। तो मैं बात करूँ विकेट कीपर की तो एन खन्ना ओनली नाम का विकेट कीपर है, एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर। मैंने देखा हुआ कि इस बंदे की बॉलिंग प्लस बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है और 2 ओवर बॉलिंग डालता है और आई थिंक ओपनर या फिर 1 डाउन भी आ सकता है आज के मैच में, क्योंकि एन खन्ना अपनी टीम के लिए एक मेन रोल है। अगर आप देखना किसी दिन एन खन्ना ना खेला ना तो इनकी टीम के 20 रन, मतलब सॉरी 90-80 रन ही बन पाएंगे टोटल। आगे से बात करूँ बैट्समैन की, तीन बैट्समैन लिए हैं, तीनों सबकी टीम में ये आपको दिखने वाले हैं क्योंकि ये मेन है, इनके अलावा और कोई है ही नहीं। अगर लाइनअप्स में होगा भी तो भी रोल नहीं है उसका मेन रोल, तो मेन रोल इन तीनों बैट्समैन का है। पहला जेड खान जो कि अपनी टीम से ओपनर आएगा, पहले मैचेस में बिल्कुल नहीं चला, मतलब ज़्यादा नहीं चल रहा आ रहा था, लेकिन अब इसने काफ़ी बढ़िया कमबैक किया है और ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में भी कुछ खास करेगा। लेकिन बॉलिंग पिच होने के कारण ऐसा भी लग रहा है कि ये ज़्यादा रन नहीं मारने वाला क्योंकि ओपोनेंट टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं से बात करूँ एस कुमार की, तो एस कुमार भाइयों सनीश कुमार की बैटिंग जो आती है वो आती है थोड़ी जल्दी, मतलब मिडल ऑर्डर से थोड़ी सी जल्दी, जैसे कि सेकंड डाउन हो गया और या फिर थर्ड डाउन, तो इसकी बैटिंग आ सकती है क्योंकि बॉलिंग पिच है तो विकटें गिरेंगी, तो आई थिंक इसकी बैटिंग इसको मिल जाएगी। और अगर इसकी बैटिंग आती है तो मेरे को जो उम्मीद है 15-20 रन की, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन 15-20 रन भी हमारे लिए बहुत हैं, रेयर रन नहीं है, नॉर्मल है। से बात करूं खोसला की, एन खोसला को आज काफी लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे, आप लोग भी ट्राई जरूर करना। मैं आपको बता दूं, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे को एन खोसला पे थोड़ा भरोसा है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में इसको ट्राई कर दूं, इसलिए GL के लिए आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आगे से बात करूं भाइयों ऑलराउंडर की, तो एच मुगल और एक और प्लेयर है एफ मुगल, ये आप दोनों देखते हैं, ये दोनों एक टीम के हैं। शुरू के 3-4 मैचेस में एच मुगल रॉक करता था और एफ मुगल बेचारा बहुत बुरी तरीके से, मतलब कुछ भी नहीं करता था एंड बिल्कुल फ्लॉप। लेकिन प्रीवियस 3 मैचेस में ऐसा देखने को मिला है कि एफ मुगल रॉकिंग प्लेयर है और एच मुगल तो काफ़ी डाउन हो गया, तो एफ मुगल कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक है। आगे से बात करूँ जेड मलिक की, अपनी टीम का हीरो, अपनी टीम की आन बान और शान है ये, और आपको बता दूँ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है। बंदे की बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सब कुछ ज़बरदस्त है, बॉलिंग आती है तो 2 विकटें ज़रूर उठाता है, बैटिंग आएगी तो कम से कम समझो कि 30 रन तो बने ही बने। काफ़ी कम देखा कि इसकी बैटिंग ना चली हो, लेकिन ऑल ओवर बहुत चलता है, लेकिन बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग भी करता है, ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे से बात करूँ ये अभी एक रेयर प्लेयर आया है अभिषेक प्रजापति, अभी इसने 4 मैचेस ही खेले हैं जिसमें कि 3 मैचेस में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। पिछले मैच में इनकी टीम का खुद का ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए मैं इनकी टीम इस प्लेयर की गलती नहीं बोलूँगा, पूरी टीम का साथ नहीं हो पाया था आपस में, तो कोई बात नहीं, हर बार किसी को जीत नहीं मिलती। और आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बाद में करेंगे, जय कुमार पटेल, उस दिन ये प्लेयर ओपनर आ गया, एक मैच था जिसमें कि ये ओपनर आया और मेरे को मतलब काफ़ी अजीब लगा क्योंकि जय कुमार एक बॉलर है, इसको ओपनर भेजने का कोई सही मतलब नहीं था, लेकिन बैटिंग अच्छी लगी मुझे इस प्लेयर की। तो आईशल मैं आपको ये बोलूँगा प्लेयर को अपनी टीम में ज़रूर रखना, ये नहीं गलती करना कि इसको छोड़ दो, एंड GL में कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई करना। WAbbas इज़ अ नॉर्मल बॉलर, एक नॉर्मल बॉलर होता है ना कि भाई 2 ओवर बॉलिंग डाल दी, विकेट आ गई नहीं आई, इसलिए ये हमारे लिए रेयर प्लेयर नहीं है, ये नॉर्मल है। आगे से बात करूँ एस पटेल की, तो एस पटेल का मेरे को थोड़ा सा रिस्क है, एक्चुअली कई बार विकेट नहीं पोक करता तो हमें थोड़ा लॉस होने का चांस है क्योंकि सिलेक्शन ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो पी चौहान को ट्राई कर सकते हो, ये प्लेयर अपनी टीम से ओपनर भी आ सकता है, पता नहीं क्यों ओपनर भेज रहे हैं बॉलर्स को, GL में ट्राई करना, स्मॉल लीग में गलती मत करना। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा जेड मलिक एंड वाइस कैप्टन एफ मुगल, ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन सुन लो, एक एन खन्ना को आपने ट्राई करना है, एन खोसला को, एच मुगल को, ए प्रजापति को और जय कुमार पटेल, ये देखो ग्रैंड लीग में जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने कम है, तो इसलिए 11 टीम्स में इनको एक एक बार कैप्टन जरूर ट्राई करना। लेकिन अगर मैं आपको रेयर बताऊं तो जय कुमार पटेल, मुगल एंड एन खन्ना, इन तीनों को तो करना ही करना अगर आप GL खेलते हो। तो मिलता हूं भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।